दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाल विकास के 2017 के पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पेपर के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो देखिए ये 2017 का साल्व पेपर है जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, और ये है बाल विकास विषय का। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अनुक्रमांक, यानी कि यहाँ पर अनुक्रमांक अपना भरना है, और यहाँ पर नाम देख लीजिए। ये इसलिए भरा जाता है क्योंकि पेपर जिससे आप लोग एक दूसरे से चेंज ना कर सकें, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पेपर तो आप लोगों को अपने साथ में ही लाना रहता है। तो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और नाम जो है लिख लिया जाता है, उसके बाद पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस पेपर का पूर्णांक देखिए 50 नंबर का है, और इसके लिए समय दिया गया है 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में आप लोगों को इस पेपर को हल करना है, और जो है कुल पूर्णांक है 50। और देखिए फिर यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, और लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो हैं वो कुल मिला करके देखिए कितने हैं, तो वो हैं 15, यानी कि 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 15 ही पूछे गए हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। और ये प्रत्येक क्वेश्चन बहुविकल्पीय जो हैं वो भी एक एक नंबर के हैं, और जो अति लघुत्तरीय हैं वो भी एक एक नंबर के हैं, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों 15-15 नंबर के ये हो गए। और जो लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं वो जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है दोनों दो दो नंबर के होते हैं। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 20 नंबर के, और इस प्रकार से कुल 50 अंक का पेपर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अब निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि बहुविकल्पीय एक एक नंबर के होते हैं, अति लघुत्तरीय भी एक एक नंबर के होते हैं, और लघुत्तरीय भी जो है वो लघुत्तरीय दो दो नंबर के होते हैं, और कुल मिला करके पेपर जो है 50 अंक का होता है। देखिए सेकंड नंबर निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, देखिए 30 शब्दों में लिखना है, और 30 शब्दों में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, यानी कि कुल मिला करके आपको शब्द गिन करके नहीं लिखना है, 2-4-10 शब्द कम भी हो सकते हैं, 2-4-10 शब्द जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका आंसर पूरा होना चाहिए। और बाकी एक अनुमान दे दिया जाता है कि 30 शब्द होने चाहिए, और वहीं पर लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में जो है लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले दिए हुए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करेंगे, और ये कुल क्वेश्चन जो है वो 15 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है 15 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उनका हल हम देखेंगे, और उसके बाद फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस पेज पर दिए हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम जो है डायरेक्ट इनके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, तो ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, और फिर देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएंगे आप लोगों के लघुत्तरीय क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके बाद फिर देख लीजिए ये सारे लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनकी संख्या 10 है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। फिर देख लीजिए अब डायरेक्ट हम इनके सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बाल विकास के 2017
के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, और सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 5। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि, और दूसरा ऑप्शन है बाल शिक्षा की दृष्टि, और तीसरा ऑप्शन है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि, और चौथा ऑप्शन है बाल समायोजन की दृष्टि। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरा अवस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो देखिए यह कथन किसका है, पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है स्टेनलेहाल, तीसरा है टीपी नन, और चौथा है वाटसन। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा स्टेनलेहाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सी एल हल, उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है पावलाव, तीसरा ऑप्शन है थार्नडाइक, और चौथा ऑप्शन है उडवर्थ। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा थार्नडाइक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या नहीं है, तो इसके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है मध्यमान, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है मध्यांक, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है प्रसार, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है बहुलक। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको हर वर्ष जो है आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही जो है पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है समायोजन, चौथा है अस्थिरता। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा परिवर्तन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है लिंग भेद, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति, चौथा ऑप्शन है तनाव। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा संस्कृति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अवधान, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकार, और चौथा ऑप्शन है अधिगम। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अधिगम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। तो देखिए वो क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन है प्रसरण, दूसरा ऑप्शन है माध्यिका, तीसरा ऑप्शन है बहुलक, और चौथा ऑप्शन है माध्य। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा माध्य या औसत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉरी पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इसका जो अ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा किशोरावस्था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन है, यानी कि यह कथन किसका है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रास का, दूसरा ऑप्शन है उडवर्थ का, तीसरा ऑप्शन है रायबर्न का, और चौथा ऑप्शन है स्किनर का। तो देखिए बा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उडवर्थ का। तो देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 11 वर्ष, चौथा तीसरा ऑप्शन है 11 से 13 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3 से 11 वर्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का प्रकार नहीं है, संवेग का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा ऑप्शन है भय, तीसरा ऑप्शन है ध्यान, और चौथा ऑप्शन है प्रेम। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ध्यान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध होती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 80 से 90, दूसरा ऑप्शन है 110 से 120, और तीसरा ऑप्शन है 140 से अधिक, और चौथा ऑप्शन है 100 से 120। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 140 से अधिक। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4। फिर देखिए आगे, अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं और उनके जो है हल भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, आलपोर्ट के अनुसार पहले देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनो शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो देखिए, आलपोर्ट के अनुसार इसकी ये परिभाषा हो जाएगी व्यक्तित्व की। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोर्सा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, हरमन रोर्सांक, हरमन रोर्सांक इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए, परिभाषा दी हुई है, जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक ना होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, वर्धमान निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र द्वारा। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी किंतु बाद में तीव्र हो जाती है, फलस्वरूप वक्र रेखा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सोर्सन के अनुसार, सोर्सन्स के अनुसार जो है, देख लीजिए कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। तो देखिए, नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT का संबंध किससे है? TAT का संबंध किससे है? तो देखिए, TAT का संबंध है व्यक्तित्व मापन से, क्योंकि TAT एक परीक्षण है और ये व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व को मापता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, स्मृति का मुख्य कार्य देख लीजिए क्या है, पहले सीखी हुई बात का स्मरण करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो इसका आंसर देख लीजिए, समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है?
तो देखिए, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड के शब्दों में देख लीजिए, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये अभिप्रेरणा का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए, सीखने की परिभाषा देख लीजिए उड़वर्थ के शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए, उड़वर्थ के शब्दों में सीखने की क्या परिभाषा है? तो देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये है उड़वर्थ के शब्दों में। फिर गेट्स व अन्य के शब्दों में देख लीजिए, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये गेट्स व अन्य के शब्दों में है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। तो देखिए, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण कौन से हैं? तो देखिए, भाषा विकास में अवरोधक कारण हैं, देख लीजिए यहाँ पर कई कारण दिए हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ दो ही पूछे गए हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भाषा विकास में अवरोधक कारण कौन से हैं? पहला है देख लीजिए स्वास्थ्य, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है सामाजिक आर्थिक दशा, चौथा है भाई बहनों का प्रभाव और पांचवा है द्विभाषीय वातावरण और फिर छठवां है संगी साथी अथवा समवयस्क समूह। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, वर्णन कीजिए। यानी कि अब ये देख लीजिए, आ गए हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो ये लघुत्तरीय पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन ये थोड़ा लंबे हैं तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो है पॉइंट दिया हुआ है, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। देख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग के द्वारा एक क्वेश्चन जो है दिया गया है, तो आप लोगों को हेडिंग तो जरूर से जरूर याद कर लेना है और बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते हैं तो एक एक पॉइंट याद करना तो मुश्किल काम है, लेकिन जो है एक बार पढ़ लिया जाए और हेडिंग जो है, ये मेन मेन हेडिंग अगर याद कर ली जाए तो जो है इसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। और जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उसमें यही करना उचित रहता है, क्योंकि जब तक आपको हेडिंग नहीं याद होंगी तब तक जो है बड़े क्वेश्चन कर पाना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जितनी भी हेडिंग दी हुई हैं वो हेडिंग जो है याद कर लीजिए और उसके अंतर्गत आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिए, बस कुछ ना कुछ हेडिंग के जो है हेडिंग डालने के बाद आप कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली हेडिंग है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। तो देखिए, इसके अंतर्गत है विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निदेशक बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, बालकों की शिक्षा में सहायक। तो देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं तो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को केवल पॉइंट बताए दे रहे हैं और बाकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सिर्फ पॉइंट बताए दे रहे हैं और बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हम नहीं बताएंगे पढ़ करके। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, बालकों की शिक्षा में सहायक। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट है, बालक के विकास को समझने में सहायक। फिर देखिए, चौथा पॉइंट है, बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता। फिर पांचवा पॉइंट है, बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायता। और फिर छठवां पॉइंट है, बाल निर्देशन में सहायता। और सातवां पॉइंट है, सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक। देखिए, ये सात पॉइंट हैं और सातों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए और फिर उसके अंतर्गत क्या है ये आप लोग एक दो बार तीन बार पढ़ लीजिए ध्यान से, तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत जो है बना करके आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास निम्न प्रकार होता है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, इस अवस्था में संवेग निश्चित हो जाते हैं, उनकी शक्ति भी कम हो जाती है। अब ये बालक को उतना उत्तेजित नहीं कर पाते जितना शैशवावस्था में करते हैं। उसके बाद देखिए फिर सेकंड नंबर है, बालक अपने संवेग परिवार में प्रदर्शित कर सकता है परंतु विद्यालय में ऐसा नहीं हो पाता है। विद्यालय का वातावरण बालक के संवेग को नियंत्रित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि विद्यालय का वातावरण भय और आतंक पर आधारित है तो बालक को संवेगों का दमन करना पड़ता है। इसके विपरीत स्वतंत्र वातावरण में बालक के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास होता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट है, बालक अपने व्यवहार में शिष्टता प्रदर्शित करता है, बालक में संवेगों के दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, बालक अपने माता पिता या शिक्षक के सामने अपने संवेग प्रकट नहीं करता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्यावस्था में बालक किसी समूह का सदस्य होता है, वह एक से अधिक समूहों का भी सदस्य हो सकता है, समूहों में घृणा और ईर्ष्या पाई जाती है, बालक पर भी उस समूह का प्रभाव पड़ता है जिसका वह सदस्य होता है। फिर देखिए सिक्स पॉइंट है, शिक्षक का व्यक्तित्व बालक के संवेगात्मक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करता है, कठोर तथा डंडे पर आधारित अनुशासन बालक को वास्तव में अनुशासित नहीं कर पाता है, बालक में हीनता की भावना आ जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे होता है। तो देख लीजिए सृजनात्मक क्षमता का विकास, तो यहाँ पर देखिए आंसर में, सृजनात्मकता प्रत्येक क्रिया में पाई जाती है, प्रत्येक कार्य या व्यवसाय में सृजनात्मकता देखी जा सकती है। आज समाज में अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं, मनुष्य को प्रत्येक कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मनुष्य को नवीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए सृजनात्मकता अथवा सृजन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। फिर देख लीजिए सृजनात्मकता का अर्थ है, तो देख लीजिए सृजनात्मकता से आशय मौलिकता से है, मौलिकता मुक्त साहचर्य है, सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है, उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके करने का परिणाम नवीन हो, उस प्रक्रिया को सृजनात्मक कह सकते हैं जो हमको नवीन ढंग से सोचने और करने को प्रेरित करे। फिर देख लीजिए सृजनात्मकता के तत्व, तो देख लीजिए सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए पहला तत्व है सृजनात्मक कार्य उपयोगी होते हैं, दूसरा है सृजनात्मक कार्यों को समाज से मान्यता मिली होती है, फिर देख लीजिए तीसरा है सृजनात्मक कार्य नवीनता उत्पन्न करते हैं, ऐसा दो वस्तुओं के संयोग से होता है, फिर देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता से प्रतिभा का विकास होता है, फिर देख लीजिए सृजनात्मकता का आधार, तो देख लीजिए सृजनात्मकता का आधार क्या है, तो सृजनात्मकता का आधार चिंतन होता है, चिंतन अनेक प्रकार का होता है, चिंतन का विशेष लक्ष्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, यदि उसके प्रयत्नों से संतुष्टि मिलती है तो वह भविष्य में उसी प्रकार के प्रयत्न करता है, किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से संतुष्टि मिली अथवा नहीं यह मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2013 में भी आया है और 17 में भी आया है, यानी कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए इसी में दूसरा क्वेश्चन एक भी दिया हुआ है, तो यानी कि दूसरे टाइप से कैसे इसको दिया जा सकता है, तो देख लीजिए इसका टाइप दूसरा है, बहिर्मुखी अथवा अंतर्मुखी किसका प्रकार माना जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषणवादी यंग व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, कौन कौन से देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो देखिए सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है, तो ऐसा व्यक्तित्व चिंतनशील होता है, अपनी ही ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्य प्रायण होता है, प्रतिक्रियावादी होता है तथा कष्टों के प्रति सजग रहता है। फिर देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, नंबर एक है, वह जगत की वस्तुओं से
कम अनुराग होता है, और नंबर दो है वह एकांकी होती हैं। फिर देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में देख लीजिए, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है, आध्यात्मिक विषयों में उसकी रुचि नहीं होती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, तो देखिए इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्ति से अधिक होती है, दूसरा है अचेतन मन स्वार्थी होता है परंतु चेतन मन में स्वार्थ के प्रति घृणा होती है, फिर तीसरा होता है ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं, फिर चौथा है व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं, फिर देखिए पांचवा है साहस का कार्य करने वाले एवं कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव रखने वाले होते हैं, फिर देखिए नेक्स्ट है शासन करने का स्वभाव होता है, कष्टों अथवा परेशानियों से घबराते नहीं हैं, फिर अगला है आशावादी तथा परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने वाले होते हैं, फिर नेक्स्ट है वातावरण के प्रभाव से शीघ्र प्रभावित होते हैं तथा वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट है आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं, फिर परंतु इसी में है परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं, फिर नेक्स्ट है वाह्य जगत में लगाव रहता है, वाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं, नेक्स्ट है अनियंत्रित अभिमानी तथा आक्रामक होते हैं, फिर नेक्स्ट है स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते, प्रायः चिंता मुक्त होते हैं, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले तथा धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं, संसार में उन्हें प्रशंसा मिले तथा लोग आदर की दृष्टि से देखें यह उनकी आकांक्षा रहती है, इसे बनाए रखने हेतु वह सदैव अच्छे गुणों को व्यवहार में लाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कल्पना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो देख लीजिए इसका जो आंसर है, तो यहाँ पर देखिए जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नवीन रचना करता है अथवा अपनी जानकारी को घटा बढ़ाकर अथवा उसको फिर से संगठित करके नवीन रूप देता है तो उसे कल्पना कहते हैं। बच्चों में कल्पना का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है, आप लोग पॉइंट याद कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला पॉइंट है भाषा ज्ञान का विकास करके, और फिर दूसरा पॉइंट है कहानियाँ या कथाएं, कहानियां या कथाएं, फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें नहीं है, यानी कि यही दो पॉइंट दिए हुए हैं और इसके अंतर्गत आप लोग याद कर लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव बताइए, तो देख लीजिए बच्चों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव अग्रलिखित रूप से पड़ता है, तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है इसका बच्चे की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है, दूसरा ऑप्शन दूसरा जो है पॉइंट है वो छात्र की बुद्धि वंशानुक्रम से ही निश्चित होती है, तीसरा ऑप्शन है गुणवान प्रतिष्ठित माता-पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, चौथा ऑप्शन है बच्चे के स्वभाव का प्रकटीकरण उनके माता-पिता के स्वभाव से स्वभाव के अनुकूल होता है, मीठा बोलने वाले माता-पिता के बच्चे भी मीठा बोलने वाले होंगे, फिर देखिए नेक्स्ट है पॉइंट बच्चे की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है, बच्चे का कद वर्ण वजन स्वभाव बुद्धि मानसिक शांति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित होती हैं, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं संक्षिप्त परिचय दीजिए, और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या तात्पर्य है, तो देखिए जो 2017 में क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन यही दिया गया है कि अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या तात्पर्य है, और यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है कि ये 2016 में भी पूछा गया था और 2017 में भी ये पूछा गया था, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए अधिगम सीखने की अनेक प्रभावशाली विधियां हैं, इन्हीं के आधार पर सीखने के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं, तो देखिए इसका पहला पॉइंट हो जाएगा करके सीखना, तो देखिए हम इसके केवल पॉइंट आप लोगों को बताए दे रहे हैं, बाकी इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ डाउनलोड करके और या तो स्क्रीनशॉट ले करके, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा
करके सीखना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अनुकरण के द्वारा सीखना, और फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा निरीक्षण करके सीखना, और फिर देखिए चौथा पॉइंट है परीक्षण करके सीखना। उसके बाद फिर जो है देख लीजिए पचवा पॉइंट है सूझ से सीखना, और फिर देख लीजिए आगे जो है दिया हुआ है सामान्यीकरण विभेदीकरण, और फिर छठवां पॉइंट है प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग जो है इसको आप लोग PDF डाउनलोड करके और या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ लेना, और हम आप लोगों को नेक्स्ट आंसर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर के अंतर्दृष्ट सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कोहलर का सूझ सिद्धांत के गुण लिखिए। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और दो टाइप से दिए जा सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया है, तो इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस सिद्धांत को गैस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गैस्टाल्ट वादियों ने किया था। सूझ के सिद्धांत का वर्णन करने से पूर्व हम यह बताना चाहेंगे कि सूझ क्या है। तो देखिए गुड ने जो है सूझ की परिभाषा इस प्रकार दी है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। फिर देखिए जो है कोहलर का प्रयोग देख लीजिए आगे, तो गेस्टाल्टवादी कोहलर ने वनमानसों पर अनेक प्रयोग यह जानने के लिए किए कि क्या वह सूझ के द्वारा सीखते हैं। कोहलर द्वारा किया गया एक प्रयोग निम्नलिखित प्रकार है, तो देखिए ये जो है कोहलर का प्रयोग है। फिर आगे देखिए सूझ सिद्धांत के गुण, तो देखिए सूझ सिद्धांत के गुण देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत के गुण इस प्रकार से हैं, कौन कौन से गुण हैं देखिए, यह सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा है वन मानुष की भांति बालक और वयस्क भी इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के सीखने में विशेष उपयोगी होता है। यह सिद्धांत सीखने के यांत्रिक स्वरूपों का खंडन करता है। यह सिद्धांत बालकों में तर्क और कल्पना शक्ति का विकास करता है। सूझ के अभाव में किसी समस्या का हल तलाश नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत संगीत गणित और साहित्य की शिक्षा के लिए विशेष उपयोगी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है सूझ के द्वारा सीखने से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के पठार के कारण बताइए। तो देखिए सीखने के प्रक्रिया में पठार आने के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहला कारण है शारीरिक सीमा, फिर दूसरा है त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग, तीसरा है अभिप्रेरणा की कमी, और चौथा है गलत क्रम। फिर देखिए नेक्स्ट है अभ्यास की कमी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए, तो देखिए स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को किसी विषय सामग्री का अधिगम जितना अधिक कराया जाता है उनकी याद करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अधिगम सामग्री की स्पष्टता, सरलता एवं सक्रियता की स्मरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। निरर्थक सामग्री की अपेक्षा सार्थक सामग्री बच्चे को जल्दी याद हो जाती है। इस प्रकार स्मृति के लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो पहला है रुचि, फिर देख लीजिए दूसरा है प्रेरणा, और तीसरा है मानसिक ताजगी या तत्परता, फिर चौथा है संबद्धता, और फिर पांचवा है शांतिपूर्ण वातावरण। तो देखिए बाल विकास के 2017 पेपर के सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।